Welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 mein 30. शाहिद मीरा राधा स्वामी बाबा को मानते हैं, ये बात तो सभी को पता है, लेकिन अब इसमें शामिल हो गई हैं कटरीना कैफ, जो यहाँ पहुँची. कटरीना को जैसे पता चला कुछ लोग उन्हें कैमरा में कैप्चर करना चाहते हैं, तो तुरंत उनके ड्राइवर ने उन्हें सेकंड गेट से निकाल दिया. खास बात यहाँ ये है कि शाहिद भी बैक गेट से निकल गए और मीरा अपने पूरे परिवार के साथ आगे से निकली. सोर्सेस की माने तो शाहिद के बोलने पर ही कटरीना वहाँ गई थी. पिंक के सक्सेस के बाद ऐसी न्यूज आई थी कि तापसी ने अपनी फीस को बढ़ा दिया है, जिस वजह से फिल्म मेकर्स काफी अपसेट हो गए हैं. ऐसे में जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो तापसी ने कुछ ये दिया जवाब. लिसन, आई हैव टू बिकम प्राइसी इन द सेंस आई हैव टू इंक्रीज माय प्राइस व्हाट आई विल नॉट अर्न और व्हाट आई विल कीप बिकमिंग लाइक अ न्यू आई कीप आई स्टे एज अ न्यूकमर एंड नेवर नॉट प्राइसी मींस ये बात नहीं मानता प्राइसी होगी. या आई हैव इंक्रीज माय प्राइस या व्हाट आई नीड टू बी पेड मोर नाउ. शी चेंज आफ्टर पे या दैट्स अ पेनी ऑफ द मेकर्स. Which makers I would like to know. Okay, I read something like, you know, the people who I've worked with before are upset. I really want to know who. My first film's director is working with me again. My second film's producer is working with me again. My third film's director is working with me again as a producer. Who is upset? Please tell me. I'm the only heroine जिसने तीनों पिक्चरें जो करी हैं उनके जो मेकर्स हैं वो दोबारा उसके साथ काम कर रहे हैं. कौन है अपसेट प्लीज बताइए मुझे कौन है अपसेट. 30 में 30. वरुण धवन के रैंप शो के दौरान सोनाक्षी और अर्जुन दोनों ही मौजूद थे, लेकिन दोनों ने ही इस बात का ध्यान रखा कि वो एक दूसरे के साथ पूरी दूरी बनाए रखे, इसलिए ये एक्स कपल बैठे भी बहुत दूर दूर. साथ ही अर्जुन और सोनाक्षी ने एक बार भी सेम फ्रेम शेयर नहीं किया. 30 में 30. मुंबई चल रहे एक फैशन वीक में पहुंचे कई स्टार्स. यहां हमने स्पॉट किया काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया, मिनी माथुर और श्रुति सेठ को. 30 में 30. मुंबई में रखी गई हॉलीवुड फिल्म लायन की स्क्रीनिंग, जहां पहुंचे कई बी टाउन सेलेब्स. हमने यहां स्पॉट किया अयान मुखर्जी, कबीर खान विद हिज वाइफ, अली फजल, राधिका आप्टे और अरशद वारसी को. फिल्म लायन के लिए ये सेलेब्स दिखे काफी एक्साइटेड. एक्सपेक्टिंग अ गुड फिल्म होपफुली. शौक है मूवीज का, स्पेशली यू नो ये टाइम पे ऑल द ऑस्कर फिल्म्स आर सॉर्ट ऑफ आउट. This film has got great reviews, so very excited to watch it, yeah. 30 mein 30. ऋतिक रोशन और यामी गौतम मुंबई के एक कॉलेज में अपनी मूवी काबिल को प्रमोट करते हुए दिखे. रईस के साथ हो रहे टफ कंपटीशन को देखते हुए शाहरुख और ऋतिक दोनों ही पोस्ट रिलीज भी अपनी मूवीज को प्रमोट करने में लगे हैं. ऋतिक और यामी यहां कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ एंजॉय करते दिखे. 30 में 30. Later on the show. क्या वरुण की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का पोस्टर तेलुगु फिल्म गरम से किया गया है कॉपी? 30. श्रद्धा कपूर के फादर यानी शक्ति कपूर ने कुछ दिनों पहले कमेंट किया था कि श्रद्धा डजंट नीड टू वरी फॉर हर करियर एज शी हैज अ रिच फादर. द कमेंट अपेरेंटली हैजंट गॉन डाउन वेल विद द डॉटर. अगर सोर्सेस की माने तो श्रद्धा को अपने पापा की ये बात पसंद नहीं आई, एज शी थिंक्स ऑफ हरसेल्फ एज अ सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट करियर ओरिएंटेड वुमन और अपने करियर को वो बहुत इम्पोर्टेंट मानती हैं. 30 में 30. Yeah.
अपनी कमबैक फिल्म आ गया हीरो के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे गोविंदा ने रिलीज से पहले ही अपनी फिल्म के हिट होने की दी गारंटी। गोविंदा ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्होंने एक हिट फिल्म बनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ज्यादातर मुझे पसंद आती है वो अच्छी रहती है, तो मैंने ये फिल्म कई टाइम देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि हो गया, ये ऊपर वाले ने अच्छी हिट फिल्म बनवा दी है मेरे हाथ से। वेल, अब गोविंदा की फिल्म ऑडियंस हिट करवाती है या नहीं ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। तीस में तीस। आलिया भट्ट का इंटेंस लुक आया सबके सामने। आलिया ने अपनी रैविशिंग पिक्चर को किया सोशल मीडिया पर शेयर। ब्लू स्ट्राइप्ड कोल्ड शोल्डर टॉप विथ ब्लैक चेन एंड अ नेकलेस में आलिया लग रही हैं गॉर्जियस। आलिया ने अपनी पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, ब्लूज इन द ब्लू सिटी। 30 में 30। आलिया, करण जौहर, किरण राव और अभय देओल बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में साथ नजर आए। किसी प्रोजेक्ट को लेकर इन लोगों ने यहां मुलाकात की, मगर आलिया किसी वजह से जल्दबाजी में बीच में ही पार्टी छोड़कर निकल गईं। 30 में 30। सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रियंका चोपड़ा के लेटेस्ट एड शूट की पिक्चर्स आई हैं सामने। इन पिक्चर्स में पीसी और सिद्धार्थ की मैजिकल केमिस्ट्री दिख रही है। सिद्धार्थ लुक्स हैंडसम इन हिज फॉर्मल सूट एंड प्रियंका इज नो लेस देन अ डीवा इन हर ऑफ व्हाइट ड्रेस। शी हैज पेयर्ड हर लुक विद मिनिमल मेकअप एंड डायमंड इयररिंग्स। 30 में 30। अनुष्का, जैकलीन और शाहिद नजर आए अलग अलग मैगजीन्स के कवर पेज पर। अनुष्का इज सीन इन अ प्योर व्हाइट ड्रेस विद अ फर कोट। हर वेट हेयर लुक, न्यूड मेकअप टीम्ड विद चेन्स कंप्लीटेड द प्रिटी लुक। वहीं जैकलीन इज लुकिंग गॉर्जियस वेयरिंग अ ब्लैक ब्रालेट विद अ सी थ्रू नेट ड्रेस एंड अ प्रिंटेड जैकेट टीम्ड अप विद एंकल लेंथ गोल्डन ब्लैक बूट्स एंड अ स्मॉल क्लच। और शाहिद की बात करें तो ही लुक्स सुव इन एन अलेसांद्रो मिशेल्स गुची टक्स एंड अ स्मार्ट बो टाई टू कॉम्प्लीट implemented 30 mein 30। ये हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की लेटेस्ट पिक्चर्स। इन पिक्स में ऐश मजेस्टिक लुक में नजर आ रही हैं। आपको बता दें ये पिक्स ऐश के लेटेस्ट फोटो शूट की हैं। आलिया और वरुण की मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया के पोस्टर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस के खूब लाइक्स मिले। लेकिन आपको बता दें कि ये पोस्टर एक तेलुगु फिल्म गरम के पोस्टर से काफी रिजेंबल करता है। हालांकि तेलुगु फिल्म के प्रोड्यूसर ने इसे ज्यादा माइंड नहीं किया और आलिया वरुण की फिल्म के पोस्टर को लवली बताया। 30 में 30। सलमान खान के पापा राइटर सलीम खान अपने सुपरस्टार बेटे के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहते हैं। रिसेंटली एक इवेंट में आए सलमान खान के पापा सलीम खान ने कहा कि अगर वो सलमान के लिए फिल्म लिखते हैं और वो बॉक्स ऑफिस पर डड हो गई, तो इसके लिए उन्हें ही ब्लेम किया जाएगा, लेकिन अगर फिल्म चल गई तो उसका पूरा क्रेडिट सलमान खान को दिया जाएगा। दरअसल सलमान के पापा को लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब स्टार्स के बजाय स्क्रिप्ट राइटर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए अगर फिल्म अच्छा करती हो तो। 30 में 30। रणबीर कपूर और सैफ अली खान के बीच इन दिनों बॉन्डिंग काफी बढ़ गई है। वेल, ऑफ कोर्स दोनों के बीच कॉमन कनेक्शन करीना है। सुनने में आया है कि रणबीर और सैफ आजकल एक दूसरे की कंपनी खूब एंजॉय करने लगे हैं। रणबीर ऑफन सैफ के फॉर्चून हाइट्स वाले घर भी जाते हैं और वी आज तक उनसे बातें करते रहते हैं। रणबीर और सैफ लाइफ, लड़कियाँ और मूवीज सब के बारे में डिस्कस करते हैं। 30 में 30। We'll be right back.
रणबीर और कैटरीना की फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु हर साल सरस्वती पूजा पर खुद भोग बनाकर डिवोटीज को सर्व करते हैं। इस साल भी उन्होंने इस रिचुअल को पूरा किया और प्रीतम ने भी उनका साथ दिया। वेल, यहां आने वाले गेस्ट्स में उनकी फिल्म जग्गा जासूस की हीरोइन कैटरीना कैफ भी मौजूद थी। इसके अलावा अदिति राव हैदरी भी यहाँ आई थी। अजय देवगन का कहना है कि वो YRF के साथ फिर से काम करने को तैयार हैं। फिल्म सन ऑफ सरदार और जब तक है जान के रिलीज के वक्त अजय और YRF के बीच बहुत लीगल बैटल हुआ था, लेकिन अब अजय का कहना है कि उनकी लड़ाई आदित्य चोपड़ा के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ थी। और अब अजय और आदित्य पुरानी कड़वाहट को भुला कर आगे निकल चुके हैं। साथ ही अजय का कहना है कि यशराज फिल्म्स की तरफ से अगर उन्हें कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो वो करने को तैयार हैं। गोविंदा बहुत जल्द चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स भी खोलने वाले हैं। गोविंदा ने दिल्ली बेस्ड बिजनेस ग्रुप के साथ टाई अप किया है और बहुत जल्द उनके इस न्यू वेंचर की ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। आपको बता दें, इस वेंचर के जरिए गोविंदा अपने हीरो नंबर वन ब्रांड को भी रिवाइव करेंगे। 30 में 30। संजय दत्त की बायोपिक पर काम कर रहे रणबीर कपूर ने बताया कि इस फिल्म में संजय की कंट्रोवर्शियल लाइफ का हर पहलू दिखाया जाएगा, फिर चाहे वो ड्रग्स हो या टेररिस्ट का लेबल, हर कंट्रोवर्सी को कवर किया जाएगा। रणबीर ने कहा, संजय दत्त बायोपिक कवर्स हिज वुमेन, पेरेंट्स, ड्रग अब्यूज एंड बीइंग लेबल्ड एज अ टेररिस्ट। 30 में 30। कमिंग अप ऑन द शो, टाइगर श्रॉफ क्यों करना चाहते हैं ऋतिक से मुकाबला। तीस में तीस। सोनू सूद और अमायरा दस्तूर पहुंचे दिल्ली के गुरुद्वारे। सोनू और अमायरा आजकल अपनी अपकमिंग इंडो चाइना फिल्म कुंग फू योगा को प्रमोट कर रहे हैं। दिल्ली में सोनू इज स्पोर्टिंग अ हैंडसम लुक, वेयरिंग अ डार्क ग्रे टी शर्ट, ब्लैक जीन्स विद अ लेदर जैकेट, वेयर एज अमायरा इज वेयरिंग अ ग्रे टॉप, अ पेयर ऑफ ब्लू जीन्स एंड अ ब्लू जैकेट। इलियाना ने किया अपना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस शेयर। अपने बोल्ड कमेंट में इलियाना ने बताया कि वो हुई थी ईव टीजिंग और हरासमेंट का शिकार। इस सेंसिटिव इशू पर बोलने की हिम्मत दिखाते हुए इलियाना ने कहा, आई बिन अ विक्टिम ऑफ ईव टीजिंग एंड हरासमेंट एंड इट्स ट्रॉमेटिक। आई एम लकी आई हैव ब्यूटिफुल पेरेंट्स हु गेव मी स्ट्रेंथ व्हेन आई नीडेड इट। 30 में 30। कृति सानोन ने खुद को बताया बेस्ट गर्लफ्रेंड। एक मैगजीन के कवर पेज पर कृति का ग्लैम न्यू अवतार आया नजर। साथ ही कृति ने खुद को बेस्ट गर्लफ्रेंड का टैग भी दिया। आपको बता दें, कृति और सुशांत के लिंकअप की न्यूज कई बार आ चुकी है, लेकिन अब तक ना ही सुशांत ने और ना ही कृति ने इसे ऑफिशियल किया है। अब कृति का ये बोल्ड डिसीजन किसका इशारा करती है, ये कहना मुश्किल है। ये तो वही जाने। 30 में 30। श्रद्धा की कंटेम्पररीज जहां घर से बाहर निकलते वक्त अपने स्टाइल का बेहद ख्याल रखती हैं, क्योंकि उन पर कैमरास की नजर होती है, वहीं श्रद्धा कपूर अपने ट्रैक और टी शर्ट्स में कंफर्टेबल फील करती हैं। श्रद्धा ने बताया कि अगर उनका कोई इवेंट या फिल्म का प्रमोशन नहीं होता है और वो किसी मीटिंग्स या नरेशंस के लिए जाती हैं, तो वो कंफर्टेबल क्लोथ्स ही पहनना प्रेफर करती हैं। श्रद्धा खुद मानती हैं कि वो अपने ट्रैक पैंट्स, टी शर्ट्स और स्नीकर्स से लिटिल ऑब्सेस्ड हैं। 30 में 30।
टाइगर चाहते हैं अपने आइडल ऋतिक रोशन के अगेंस्ट डांस फेस ऑफ। यूं तो टाइगर श्रॉफ ऋतिक के बड़े फैन हैं और ऋतिक के जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन रिसेंटली जब टाइगर से पूछा गया अगर उनका मूवी में ऋतिक के साथ डांस फेस ऑफ हुआ तो वेल, टाइगर ने कहा ये तो उनके लिए ड्रीम ट्रू होने जैसी बात हो जाएगी। टाइगर को ये आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने ये आइडिया आगे पिच करने के लिए कह दिया। मगर साथ ही टाइगर ने ये कन्फेशन भी कर लिया कि डांस फ्लोर पर ऋतिक के सामने आते ही वो नर्वस हो जाएंगे, बिकॉज ही इज इन ऑल ऑफ ऋतिक, पर वो ऋतिक के साथ काम जरूर करना चाहते हैं। 30 में 30। रिसेंटली तापसी पन्नू को जयपुर में एक इवेंट में जाना था जहां उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करनी थी, लेकिन जैसे ही तापसी को खबर मिली कि उस इवेंट का टाइटल स्पॉन्सर एक फेयरनेस क्रीम है, तापसी ने इवेंट पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि तापसी ऐसी किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करना चाहती हैं जिसमें वो खुद बिलीव ना करती हों। 30 में 30। बिपाशा बासु को भी लगता है कि आज भी लोग फेयर स्किन से ऑब्सेस्ड हैं। बिपाशा ने रिसेंटली साफ कह दिया कि लोग सिर्फ कहते हैं कि वो फेयर स्किन से ऑब्सेस्ड नहीं हैं। बिपाशा ने कहा, एज मच एज वी से दैट वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विद फेयर स्किन, इट्स द बिगेस्ट लाई इन द वर्ल्ड। 30 में 30। कृति सानन आजकल बार बार इंजर्ड हो रही हैं। कुछ दिन पहले भी कृति ने अपने इंजर्ड होने की पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। वेल, आपको बता दे कि कृति को ये इंजरी हॉर्स राइडिंग स्टंट करते वक्त हुई थी, जिसका रियलाइजेशन कृति को बाद में हुआ, लेकिन इस इंजरी का पेन कृति को अब भी है। हालांकि कृति थैंकफुल भी है इस बात के लिए कि उनका शॉट 2 टेक्स में ओके हो गया था। 30 में 30। सोनम के भाई हर्षवर्धन अपने स्टाफ के लिए काफी ओपन हार्ट रखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, हर्षवर्धन के एक स्टाफ मेंबर की मम्मी की हार्ट सर्जरी हुई थी और उन्हें पैसों की जरूरत थी। वेल, जैसे ही हर्ष को ये बात पता चली, उन्होंने अपने स्टाफ मेंबर की मम्मी के सारे हॉस्पिटल बिल्स पे कर दिए। 30 में 30। शमिता शेट्टी के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने पूरा परिवार पहुंचा। सभी नजर आए काफी खुश। इस बर्थडे पर शिल्पा ने सरप्राइज गिफ्ट दिया, जिसे उन्होंने और उनकी मॉम ने छुपा कर रखा था। कैमरा के सामने शिल्पा और उनके हस्बैंड के साथ मॉम और शमिता ने पोज किया एंड देन दे लेफ्ट।